नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। ग्राफ थ्योरी के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन, उसके बाद हैंडशेकिंग लेमा और टाइप्स ऑफ ग्राफ पर जिक्र किया था। डेफिनेशन एस्टेब्लिश करने के बाद हैंडशेकिंग लेमा मैंने बताई थी कि हैंडशेकिंग लेमा क्या होती है। उसके बाद 10 विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें कुछ ग्राफ्स थे रेगुलर ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, साइकिल ग्राफ और व्हील ग्राफ। ये सभी प्रकार के ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ माने जाते हैं। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और तरह के ग्राफ्स के जिक्र हम लोग यहाँ करेंगे। तो पहले दो तरीके के ग्राफ जहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ वो है डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस के ऊपर डायरेक्शन भी लगा हुआ हो, ऐसे ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और जो अभी तक हमने ग्राफ देखे जिन एजेस के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं था, उन ग्राफ्स को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने दो ग्राफ्स बना रखे हैं यहाँ पर। अगर आप अपने एक्सट्रीम राइट की तरफ देखें तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसके ऊपर 5 वर्टिसेस और 8 एजेस हैं, लेकिन एजेस के ऊपर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मतलब E3 एज V1 और V2 के बीच में है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि E3 एज V2 V1 के बीच में है। तो पेयरिंग जो हम कर रहे हैं उसमें ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। V1 V2 इज सेम एज V2 V1। V1 V2 कहें या V2 V1 कहें, दोनों चीजें एज E3 को घोषित करती हैं। इस तरीके के ग्राफ को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। लेकिन अगर इन्हीं एजेस के ऊपर, चाहे वो E1 हो, E2 हो या E3 हो, अगर मैं एक एरो के जरिए डायरेक्शन बना दूं, तो अब मैं अगर E3 उन्हीं एजेस को मैं यहां लिखता हूं, E3 E2 E1 E4 E5 E6 एंड सो ऑन, जो भी एजेस है वहां मैंने वही नाम रखे हैं और वही नाम वर्टिसेस के भी रखे हैं जो नाम वहां पर वर्टिसेस के हैं। तो अब अगर मैं कहूं तो वही E3 एज V1 V2 के बीच में है, लेकिन इसका डायरेक्शन भी है एक, और डायरेक्शन है V2 से V1 की तरफ। तो अब मैं ये कहूंगा कि E3 एज जो एग्जिस्ट करती है वो V2 V1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, ना कि V1 V2 के बीच में। तो ये नोटेशन गलत रहेगा, ऊपर वाला नोटेशन सही रहेगा। तो साधारण शब्दों में मैं अगर कहूं तो अगर एज का दिशा भी हम लोग घोषित कर देते हैं, हर एज की दिशा घोषित कर देते हैं, ऐसे ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और अगर एजेस के ऊपर कोई दिशा नहीं होती है तब हम उस ग्राफ को अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड दिशा सहित और ये दिशा विहीन। इसके बाद हम अगली कंसेप्ट ले रहे हैं वॉक, पाथ और सर्किट की। वॉक, पाथ और सर्किट। सो पहले हम परिभाषित करेंगे वॉक को, किसी भी ग्राफ में वॉक किसे कहते हैं, फिर परिभाषित करेंगे उस वॉक के बेसिस पर पाथ को, पाथ किसे कहते हैं, और फिर हम परिभाषित करेंगे सर्किट को। तो मैं वॉक को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं, बोलता हूं मैं पहले, उसके बाद कुछ चीजें लिखूंगा यहां पर। वॉक एक क्रमशः वर्टिसेस और एजेस का क्रम है जिसमें कोई भी एज
दोबारा रिपीट नहीं होती है। मैं पहले बना करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको लिखवाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, क्रम है वर्टिसेस का और एजेस का। और सीक्वेंस जब मैंने कह दी तो वो कंटिन्यूअस रहेगी, लगातार रहेगी, कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा उसमें। तो सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस सच दैट, इस प्रकार से सच दैट नो एज इज रिपीटेड, कोई भी एज दोबारा से रिपीट नहीं होगी। और मैं वर्टेक्स को नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वापस परिभाषा पर आएंगे समझने के लिए। तो देखिए, ये ब्लू कलर में ग्राफ बना हुआ है, मैं ब्लैक कलर से एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करता हूं, और सीक्वेंस वर्टेक्स से शुरू होगी और एजेस को कंटेन करते हुए वर्टेक्स पर ही खत्म होगी। तो सपोज मैंने यहां पर एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश की, V1 से शुरू हो रहा हूं मैं, तो V1 से मैंने शुरू हुआ और एज E3 पर गया, फिर V2 पर पहुंचा, वहां से मैंने फिर एज E4 पर को होते हुए V4 पर पहुंचा मैं, और अगर मैं एज E5 पर होते हुए फिर वर्टेक्स V2 पर पहुंचा और E6 को कवर करते हुए मैं V3 पर पहुंच गया। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये V1 से शुरू किया था, E3 को कवर करते हुए V2 वर्टेक्स पर पहुंचा, और V2 से E4 के जरिए मैं आया V4 पर, और E5 के जरिए, इस E5 एज के जरिए मैं पहुंचा V2 पर, और V2 से फिर E6 के जरिए मैंने V3 पर विराम लिया, V3 पर मैं रुक गया जाकर के। तो देखिए ये सीक्वेंस बन गई, जो सीक्वेंस का मेरा कहने का मतलब है, सीक्वेंस ऑफ किसकी, वर्टिसेस की, नोड्स की और एजेस की। तो देखिए वर्टेक्स और एजेस की एक सीक्वेंस बन रही है, और सीक्वेंस का मतलब लगातार क्रम, क्रम है पूरा, कहीं पर भी टूट नहीं रही है। तो V1, E3, V2, E4, V4, E5, V2, E6 और V3। लेकिन खासियत देखिएगा इसकी कि कोई भी एज इसमें दोबारा से नहीं आई है, हमने हमने आसानी के लिए एजेस को नाम दिए। तो देखिए E3 अगर है तो दोबारा रिपीट नहीं हुई है, अगर E4 है तो कहीं पर भी दोबारा रिपीट नहीं हुई है, E6 है तो कहीं पर भी E6 दो बार नहीं आई है। अब वापस अगर परिभाषा पर आए तो एक ऐसी सीक्वेंस जो नोड और एजेस से बनी हुई है और कोई भी एज उसमें दोबारा से नहीं आ रही है, ऐसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉक कहते हैं। ऐसी सीक्वेंस को हम वॉक कहते हैं। एक एग्जाम्पल वॉक का किसी भी ग्राफ के अंदर मैंने ये दिया, वहां बहुत सारी वॉक्स हो सकती हैं किसी भी एक ग्राफ में। ये देखिए, अब मैं दूसरी एक वॉक बना रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट इंडिकेशंस ले रहा हूं। मैं V1 से चला, E2 होते हुए V4 आ गया, और V4 से फिर मैंने E5 को ट्रेवर्स किया, और मैं फिर V2 तक आ गया, और V2 को पकड़ा मैंने, और फिर E3 के जरिए मैं V1 पर आ गया। तो अगर मैं इस वॉक को भी लिखता हूं, कहां से चला था मैं, V1 से चला था, और किस एज को पकड़ा मैंने, E2 को पकड़ करके मैं V4 पर आ गया, V4 लिख दिया, और V4 से मैंने E5 को पकड़ा, E5 को पकड़ करके मैं V2 पर आ गया, और V2 से मैं E3 को ट्रेवर्स करते हुए E3 को पकड़ करके V1 पर आ गया। तो देखिए इसमें कोई भी एज, एज कौन सी है, E है, E2, E5 और E3, कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है, तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, एक वॉक कहलाएगी। देखिए यहां अगर आप ध्यान देंगे तो एज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, एज के ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन वर्टेक्स के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, मतलब वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। तो ये आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, वॉक के अंदर वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, एज रिपीट नहीं होगी, और अगर एज रिपीट हो रही है तो वो वॉक नहीं होगी। देखिए यहां देखें अगर आप वर्टेक्स को, तो इसमें V2 आया था और यहां पर V2 दो बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमें कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर एज दो बार आ जाती तो वो वॉक नहीं होती। यहां पर भी देखिएगा V1 से V2, V1 दो बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वॉक अब आपकी समझ में आ गई होगी। न्यूमरस बहुत सारी वॉक्स इसके अंदर होंगी, एक ही नहीं होगी, दो एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, आप कितनी वॉक्स इसके अंदर निकाल सकते हैं।
वॉक भी दो तरीके की होती है, एक क्लोज वॉक कहलाती है और एक ओपन वॉक कहलाती है. क्लोज्ड वॉक एंड ओपन वॉक. क्लोज्ड वॉक का मतलब होता है कि जहां से शुरू करें वहां पर खत्म करना है, ऐसी वॉक को हम, जैसा कि नाम ही बता रहा है उसका, क्लोज वॉक कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दूसरी वॉक लूं इसी ग्राफ के अंदर, तो V1 से शुरू होकर के V1 पर ही खत्म हो रही है, ऐसी वॉक को हम लोग क्लोज्ड वॉक कहेंगे. और ये दूसरी के पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूं इस ग्राफ के अंदर, तो V1 से शुरू होकर के वो V3 पर खत्म हो रही है, ऑल्दो बीच में एक वर्टेक्स रिपीट हुआ है V2 से, फिर V2 पर भी आई, लेकिन शुरुआत V2 से नहीं थी, V1 से शुरुआत थी और खत्म जो है वो V3 पर हो रही है. तो ऐसी वॉक क्या कहलाएगी? ओपन वॉक कहलाएगी. साधारण शब्दों में अगर वॉक की शुरुआत और अंत एक वर्टेक्स पर है, क्लोज्ड वॉक, और अगर शुरुआत और अंत अलग अलग वर्टिसेस पर है तो वो कहलाएगी आपकी ओपन वॉक. उम्मीद करता हूं कि वॉक आपकी समझ में आ गया होगा. अब वॉक के बाद हम अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं, और वो परिभाषा है पाथ की, जो कि हमको लीड करेगी आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमारे ग्राफ थ्योरी के डेवलप करने के लिए. तो अब हम परिभाषित करते हैं पाथ. पाथ एक ओपन वॉक है. पहली चीज क्या है पाथ? पाथ एक ओपन वॉक है, यानी कि क्लोज्ड है अगर वो, तो वो पाथ नहीं होगा, ओपन वॉक है. दूसरा, नो वर्टेक्स इज रिपीटेड, नो एज इज रिपीटेड ट्वाइस. एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स is repeated. देखिए, जब हमने वॉक कह दिया तो वॉक की परिभाषा में कोई भी एज रिपीट नहीं होगी, और उसके साथ हमने ये कह दिया अगर वर्टेक्स भी रिपीट नहीं हो रहा है तो ऐसी वॉक को हम क्या कहेंगे? पाथ कहेंगे. यानी नाइदर, ना तो वर्टेक्स रिपीट होगा और ना ही एज रिपीट होगी. एज कहां से नहीं होगी? वॉक की परिभाषा में है कि एज रिपीट नहीं होगी, और वर्टेक्स को हमने अलग से लिख दिया कि वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होगा. तो ना तो एज रिपीट हो और ना वर्टेक्स रिपीट हो, और ओपन वॉक हो, यानी शुरुआत किसी एक वर्टेक्स से हो और अंत किसी दूसरे वर्टेक्स पे हो, ऐसी सीक्वेंस को, ऐसी ट्रेल को, ऐसे क्रम को हम लोग पाथ कहेंगे. एग्जाम्पल देना जरूरी है, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं. मैं कोई रैंडम ग्राफ खींच ले रहा हूं, उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूं. सपोज मैंने ये एक ग्राफ खींच लिया, करीब करीब वैसा ही ग्राफ है जैसा पिछली बार बना हुआ था. आसानी के लिए मुझे इस पे नाम लिखना जरूरी है. सपोज ये वर्टेक्स V1 है, सपोज ये वर्टेक्स V2 है, V3 है, V4 है और V5 है. कुछ एजेस हैं इसके अंदर E1, E2, E3, E4. आपको याद दिला दूं, ये E5 एज जो है वो हमारा सेल्फ लूप कहलाता है. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसे देखा था, इसको सेल्फ लूप कहते हैं. और ये E6 है और ये E7 है. अब मैं यहाँ पाथ की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं पाथ का जिक्र करूं तो मैं यहां से एक सीक्वेंस बना रहा हूं. V1 से शुरू हुआ और V2 पर पहुंचा, E4 पर पहुंचा, यह मान लो यहां आकर के खत्म हो गया. मैं तो मैं इसको लिखता हूं V1, E3, V2, E4, V3, E6, V4. तो देखते हैं कि ये वॉक है या नहीं है. पहली चीज, वॉक होने के लिए कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी एज रिपीट नहीं है. E3 एक बार आ रहा है, E4 एक बार आ रहा है और E6 एक बार आ रहा है, तो कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है. ये वॉक है. कैसी वॉक है? क्लोज्ड है या ओपन है? शुरुआत V1 से हुई है, अंत V4 पर हुआ, इसके मतलब ओपन वॉक है. तो पहले कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है कि ओपन वॉक होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन, कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए. चेक कर लेते हैं कि क्या कोई वर्टेक्स हमारा रिपीट हुआ है. V1 एक बार है, V2 एक ही बार है, V3 एक ही बार है और V4 भी एक ही बार है. इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई है. पहली कंडीशन फुलफिल, दूसरी कंडीशन फुलफिल, इसका मतलब ये एक ऐसी वॉक है जो कि पाथ है. कैसी वॉक है? ये पाथ है.
फिर से मैं बता दूं आपको, एक पाथ जो है वो कुछ नहीं वॉक ही होती है, लेकिन वो ओपन होनी चाहिए और कोई भी वर्टेक्स उसके अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक पाथ है। इसके अंदर बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, किन्हीं दो वर्टिसेस के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर इसी को मैं यहां तक भी बढ़ा दूं तो ये भी एक पाथ हो जाएगा। V4 के बाद में E7 के जरिए कहां तक आ गया, V5 तक आ गया, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया पाथ का। क्यों? क्योंकि V1 से शुरू हो रहा है, V5 पर खत्म हो रहा है, कोई एज रिपीट नहीं हो रही और कोई भी वर्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। तो किसी भी ग्राफ के अंदर बहुत सारी वॉक्स हो सकती हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है सर्किट की। सर्किट और पाथ में सिर्फ एक अंतर है, यहां पर मैंने ओपन लिखा है, अगर मैं यहां क्लोज्ड लिख दूं कि देयर एग्ज, अगर वहां पर एक क्लोज्ड वॉक है, क्लोज्ड वॉक मीन्स जहां से शुरू कर रहे हैं वहां पर खत्म हो रहे हैं, क्लोज्ड वॉक है। और दूसरी कंडीशन वही रख दूं मैं, नो वर्टेक्स इज रिपीटेड, कोई वर्टेक्स फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसी ट्रेल मुझे मिलेगी तो वो ट्रेल क्या कहलाएगी, सर्किट कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड ए सर्किट। तो खाली फर्क क्या हुआ पाथ में और सर्किट में, क्लोजनेस का। अगर ओपन है तो वो मेरा पाथ कहलाएगा, अगर ओपन है तो वो पाथ कहलाएगा, और क्लोज्ड है तो क्या कहलाएगा, सर्किट कहलाएगा। बाकी डेफिनेशन सेम है। तो अगर मैं यहां पर सर्किट की बात करूं आपको, मैं पुरानी पाथ को मिटा देता हूं, जो पाथ का मैंने एग्जांपल लिया था यहां से, उसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, और आपको दिखाना चाहूंगा इस वाले इस ग्राफ में कि सर्किट कौन सा बनेगा। तो अगर मैं V1 से शुरू करता हूं, E3 होते हुए V2 पर आया, E4 होते हुए V3 पर आया, E6 होते हुए V4 पर आया, और E1 होते हुए फिर वापस क्लोज कर दिया मैंने V1 के ऊपर, तो क्लोज्ड हो गई है। मैं लिखता हूं इसको क्या लिखना है, V1, E3, V2, E4, V3, E6, V4, E1 और V1। तो इंटरोगेट करते हैं कि क्या ये एक वॉक है। पहली तो चीज तो है कि वॉक होनी चाहिए, वॉक होने के लिए कोई एज रिपीट नहीं होनी है, यस कोई एज रिपीट नहीं हो रही है। देखिए E3 एक ही बार आ रहा है पूरे सीक्वेंस में, E4 भी एक ही बार आ रहा है, E6 भी एक ही बार आ रहा है, और E1 भी एक ही बार आ रहा है, तो ये एक वॉक है। अब चेक करते हैं ये क्लोज्ड वॉक है या ओपन वॉक है। तो देखिए V1 से शुरू हो रही है और V1 पर ही खत्म हो रही है, इसका मतलब ये क्लोज्ड वॉक है, जहां से शुरू हुई है वहीं पर खत्म हो रही है, तो क्लोज्ड वॉक है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन है कि कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो देखा हमने V1 रिपीट नहीं हो रहा है, अलावा जहां से शुरू हुई है वहां पर खत्म होने के, एक वर्टेक्स रिपीट होना है, क्योंकि क्लोज्ड करने के लिए आपको एक वर्टेक्स रिपीट करना जरूरी होगा, वो कौन सा वर्टेक्स होगा, शुरुआती और अंत वर्टेक्स। V2 एक ही बार आया है, V3 एक ही बार आया है, और V4 भी एक ही बार आया है, इसका मतलब कोई और वर्टेक्स अलावा पहले और आखिरी वर्टेक्स के कोई और रिपीट नहीं हुआ है। मैं बार बार पहला और आखिरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्लोज्ड बन ही नहीं पाएगी अगर पहला और आखिरी वर्टेक्स एक सा नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इस वजह से ये जो मैंने ट्रेल लिखी है ये एक सर्किट है मेरे दिए हुए ग्राफ के अंदर। जो ये ग्राफ है इसके अंदर ये ट्रेल सर्किट कहलाएगी। बहुत सारे सर्किट संभव हैं, आप कोई और सर्किट बना लीजिए, मैं किसी और नोटेशन से बना रहा हूं। V1 से स्टार्ट हुआ, E2 होते हुए V3 आ गया, V3 से E6 होते हुए V4 आ गया, और V4 से E1 लेते हुए मैं V1 पर आ गया, तो एक और छोटा सर्किट बन गया आपका। शुरुआत V1 से करी, यहां आया, यहां से इधर आया, इधर से आया, ये सर्किट हो गया। एक सर्किट ये भी हो सकता है, एक सर्किट ये भी हो सकता है, तो बहुत सारे सर्किट संभव हैं किसी भी ग्राफ के अंदर। उम्मीद करता हूं कि वॉक, पाथ और सर्किट में अंतर समझ में आ गया होगा। पाथ और सर्किट में सिर्फ एक अंतर है, ओपन और क्लोज्ड का। वॉक में कोई एज रिपीट नहीं होती है, इन दोनों में एज भी रिपीट नहीं होती है और वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होते हैं। अब क्यों पाथ हमने समझाया आपको, पाथ के साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जुड़ी हुई है ग्राफ थ्योरी की, और उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं कनेक्टिविटी, कि क्या कोई ग्राफ कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो अगली कंसेप्ट की तरफ हम लोग चलें, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से और ये आपको कनेक्टेडनेस की तरफ ले जाऊं ग्राफ के अंदर, तो वो पाथ अगर हमारी समझ में आ गया है तो पाथ के साथ कनेक्टेडनेस की बात होगी।
तो मैं कह रहा हूं कनेक्टेड ग्राफ, तो एक अलग प्रकार का ग्राफ हो गया। तो कनेक्टेड के साथ उसका ऑपोजिट होगा, उसका दूसरा संबंधी होगा डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो अगर कनेक्टेड नहीं होगा वो तो कैसा होगा, डिसकनेक्टेड होगा। मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं कोई एक ग्राफ का, थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करूंगा। आप जरूरी नहीं कि ग्राफ के, किसी भी तरीके का ग्राफ हो सकता है। मैंने यहां एक और बना दिया, तो सपोज V1, V2, V3, V4, V5, ये ग्राफ है। अब देखिए कनेक्टेड, कब कनेक्टेड कहलाएगा कोई ग्राफ और कब डिसकनेक्टेड कहलाएगा कोई ग्राफ, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं कोई पेयर उठा लूं यहां से, पेयर किसका, वर्टिसेस का, पेयर किसका, नोड्स का, नोड्स और वर्टिसेस हम एक साथ यूज करते हैं। तो मान कोई भी एक पेयर उठा लूं, V1, V4, कोई एक पेयर उठा लिया, या V3, V5 उठा लिया। अगर V3 से V5 तक पहुंचने के लिए कोई एक पाथ है और ऐसा सभी पेयर्स के लिए है, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, कनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा, और नहीं तो डिसकनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। हर पेयर के बीच में पहुंचने के लिए एक पाथ का होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो मेरा ग्राफ क्या कहलाएगा, कनेक्टेड कहलाएगा, नहीं तो डिसकनेक्टेड कहलाएगा। तो अगर हम कनेक्टेड की परिभाषा लिखें तो इसको कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट कम से कम एट लीस्ट वन पाथ, एक पाथ जरूर होना चाहिए, कहां, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, एवरी पेयर मतलब कोई भी पेयर नहीं छूटना चाहिए जितने भी पेयर बन रहे हैं। तो अगर मैं सभी पेयर्स की बात करूं तो आप देखिए V1 V3 एक पेयर है, V1 V2 दूसरा पेयर है, V1 V4 तीसरा पेयर है, V1 V5 चौथा पेयर। तो V1 से बनने वाले सभी पेयर्स की बात कर ली मैंने। ऐसा ही मैं V3 V1 V3 V2 V3 V4 V3 V5 करूंगा, इतने सारे पेयर्स ये बन गए और पेयर। तो हर पेयर के बीच में एक पाथ जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो इस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, डिसकनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। विजुअली अगर हम फोटोग्राफ देखें तो देखने से ही लगता है कि कहीं पर भी ये ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। तो अगर आप कहें, आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या कोई पेयर, क्या कोई पाथ एग्जिस्ट करता है V3 से V5 पहुंचने के लिए, हाँ पहुंचा जा सकता है। V3 से आप पहले V1 पहुंचिएगा, V1 से आप V4 पहुंचिएगा, और V4 से आप V5 पहुंच जाइएगा। पाथ है, पाथ की क्या परिभाषा थी, कोई एज रिपीट नहीं होनी है और कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होना है। तो देखिए वर्टेक्स एक से यहां गए, दूसरे से यहां आए, ना तो एज रिपीट हुई और ना वर्टेक्स रिपीट हुआ, और हम V3 से लेकर के V5 तक पहुंच गए। तब हम कहेंगे एक पाथ V3 से V5 तक। ऑल्दो इसमें दो पाथ है, अगली बार आप V3 से V2 जाइए, V2 से V1 जाइए, V1 से V4 जाइए, V4 से V5 चले जाइए, दो, लेकिन मुझे एक चाहिए चाहिए हर हालत में। अगर एक भी नहीं होता तो मैं इस ग्राफ को क्या कहता, डिसकनेक्टेड ग्राफ कहता। आप सोच रहे होंगे V2 से V4 के बीच में पाथ नहीं है, है। V2 से आप V1 जाइए और V1 से आप V4 चले जाइएगा। तो ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है, इसमें सभी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेशन ये दी जाएगी। आप कहेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ बनाकर दिखाइए सर, डिसकनेक्टेड भी हो सकता है कोई ग्राफ, हाँ डिसकनेक्टेड भी हो सकता है ग्राफ। ये देखिए अगर इसमें से मैं सिर्फ एक एज ये वाली निकाल दूं और अभी भी कहूं कि जी ये मैंने, मेरा ग्राफ है ये पूरा का पूरा, मेरा एक सिंगल ग्राफ है, तो ये ग्राफ कहलाएगा डिसकनेक्टेड ग्राफ। क्यों डिसकनेक्टेड ग्राफ, अब आप V1 से V4 नहीं पहुंच सकते, ना ही आप V2 से V4 पहुंच सकते हैं, ना ही V3 से V5 पहुंच सकते हैं, ना इस तरफ से इस तरफ पहुंच ही नहीं सकते, बिकॉज बीच में कोई भी एज नहीं है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एक पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से ये ग्राफ क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड कहलाएगा। तो देखने से हमें समझ में आ जाता है, पहले भी समझ में आ रहा था कि एक साथ ग्राफ है तो वो कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन हमें देखने से नहीं, हमें मैथमेटिकली देखना होगा कि मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे कहते हैं कि कोई ग्राफ कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो मैंने डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड की आपको डेफिनेशन बता दी।
क्यों हमको चाहिए मैथमेटिक्स डेफिनेशन? क्योंकि कंप्यूटर में जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, कंप्यूटर में जब भी कोई एल्गोरिथम लिखेंगे, तो वहां पर हमें एक स्टेप्स मिलने चाहिए, और कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तरह नहीं है, वो उन स्टेप्स के ऊपर काम करेगा और आपको रिजल्ट देगा कि ये ग्राफ कनेक्टेड है या ये ग्राफ डिसकनेक्टेड है। अब अगर कोई ग्राफ डिसकनेक्टेड होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई ग्राफ डिसकनेक्टेड होता है तो उसके कुछ टुकड़े होंगे। अगर कनेक्टेड है तो सिर्फ एक टुकड़ा है, ग्राफ अपने आप में पूरा एक टुकड़ा है। अगर डिसकनेक्टेड है तो उसके दो टुकड़े होंगे या तीन टुकड़े होंगे या चार टुकड़े होंगे। तो उन टुकड़ों को हम लोग कॉम्पोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंट्स कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कॉम्पोनेंट को? अगर कोई ग्राफ डिसकनेक्टेड है, सो हाउ मेनी स्मॉलर ग्राफ्स आर देयर, छोटे छोटे कितने और ग्राफ उससे बने। शर्त एक है कि वो जिसको टुकड़ा आप मान रहे हैं वो टुकड़ा अपने आप में कनेक्टेड होना चाहिए, इंडिविजुअली अपने आप कनेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको कह रहा हूं ये पहला टुकड़ा है मेरे ग्राफ का और ये दूसरा टुकड़ा है, यानी पहला कॉम्पोनेंट है ये और ये दूसरा कॉम्पोनेंट है, तो ऐसा ना हो कि ये पहला कॉम्पोनेंट को मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये खुद डिसकनेक्टेड ना हो। तो मैं जरा चेक कर लूं कि ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। ये तो कनेक्टेड लग रहा है, V1 से V3 जा सकते हैं, V1 से V2 भी जा सकते हैं, V3 से V2 भी जा सकते हैं, यहां से यहां भी जा सकते हैं। तो अपने आप में ये कनेक्टेड है, तब ये एक अपने आप में टुकड़ा कहलाएगा। अगर ये फर्दर डिसकनेक्टेड होता तो ये ग्राफ ये टुकड़ा नहीं कहलाता। ये वाला भी अपने आप में कनेक्टेड है, अपने आप में, मैं इसके साथ नहीं कह रहा हूं, अपने आप में इंडिविजुअली स्वयं में कनेक्टेड है, इस वजह से ये टुकड़ा कहलाया। तो इस ग्राफ में कितने कंपोनेंट्स कहेंगे हम लोग? दो कंपोनेंट्स हैं। अभी अगर एक एज और हटा दूं इस ग्राफ की, मैं थोड़ी देर के लिए मानूं कि मुझे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये भी तो ग्राफ है, ये भी एक वैलिड ग्राफ है जिसके अंदर पांच वर्टिसेस हैं, लेकिन अब आप इसके टुकड़े कुछ ज्यादा हो गए। पहला टुकड़ा ये है जो कि कनेक्टेड है अपने आप में, दूसरा टुकड़ा क्या है, ये है जो अपने आप में कनेक्टेड है, इसमें कोई एज ही नहीं है, और तीसरा टुकड़ा ये है जो अपने आप में कनेक्टेड है। तो अब कितने टुकड़े हो गए, कितने कंपोनेंट्स हो गए इसके? तीन कंपोनेंट्स हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो उसमें दो या उससे ज्यादा टुकड़े होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन शर्त ये है कि हर कंपोनेंट अपने आप में कनेक्टेड होना चाहिए, अपने आप में, दूसरे से नहीं, अपने आप में कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वो वैलिड कंपोनेंट, यानी कि जो टुकड़ा है उसको टुकड़ा कहेंगे हम लोग। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ में क्या डिफरेंस है और किस चीज को हम लोग कंपोनेंट कहते हैं किसी डिसकनेक्टेड ग्राफ में। अगर ग्राफ कनेक्टेड है तो कंपोनेंट एक होता है, एक मतलब अपने आप में पूरा जुड़ा हुआ, और डिसकनेक्टेड होता है तो कम से कम दो होते हैं, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अगर क्वेश्चन ये दिमाग में मेरे आता है कि मेरे पास 10 वर्टेक्स हैं किसी ग्राफ में और ग्राफ मुझे दिया नहीं है, तो कितने ज्यादा से ज्यादा टुकड़े उस ग्राफ के हो सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब है कि जितने वर्टेक्स हो उतने टुकड़े हो सकते हैं। भाई मेरे पास 10 वर्टेक्स हैं तो मैंने उसके टुकड़े करे, क्या कैसे करे टुकड़े? 10 के 10 वर्टेक्स को अलग अलग बना दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां। डिसकनेक्टेड ग्राफ है और टुकड़े हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने कॉम्पोनेंट्स किसी ग्राफ में हो सकते हैं? जितने उसके अंदर वर्टेक्स होंगे। क्या मैं इसके 11 टुकड़े कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 नोड हैं, 10 वर्टेक्स हैं। तो अगर कोई पूछता है कि किसी भी डिसकनेक्टेड ग्राफ जो कि n वर्टिसेस का है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, आप कहेंगे n कंपोनेंट्स हो सकते हैं। n का मतलब जितने वर्टिसेस हैं उतने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो यहां मैं खत्म करता हूं कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ को। आगे हम लोग चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट ग्राफ टाइप ऑफ ग्राफ है जिसको मैं एक खूबसूरत एग्जाम्पल के जरिए आपके सामने रखूंगा, और वो एग्जाम्पल दिया था एक महान मैथमेटिशियन यूलर ने, 1736 की बात है, 1736 की बात है, एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम है यूलर। उन्होंने पहला अपना पेपर, शोध पत्र लिखा ग्राफ थ्योरी के ऊपर,
और वो लिखा कैसे, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक नदी थी पहले सोवियत रूस में, आजकल सोवियत रूस टुकड़े हो गया है, छोटे छोटे कंट्रीज बन गए, कजाकिस्तान, वो तुर्कमेनिस्तान एंड ऑल, पहले शुरुआत में रशिया हुआ करता था, सोवियत रूस हुआ करता था। तो वहां एक रिवर थी जिसका नाम था प्रिजल रिवर, और ये प्रिजल रिवर, एक गांव था वहां कोनिंग्सबर्ग, कोनिंग्सबर्ग ये गांव का नाम था। तो कोनिंग्सबर्ग के जरिए ये नदी बहती थी, और कुछ इस तरह से बहती थी कि वहां कुछ जो जमीन का टुकड़ा था उस टुकड़े को वो बांट देती थी कुछ हिस्सों में, चार हिस्सों में बांट देती थी वो। सपोज ये नदी है हमारी, ये नदी बह रही है, और ये आइलैंड बन जाते थे बीच में, नदी बह रही है तो उसने कुछ इस तरीके से जमीन को बांट दिया कि ये एक टुकड़ा रह गया जमीन का, एक तरफ का हिस्सा किनारा, ये दूसरी तरफ का किनारा, और बीच में एक आइलैंड बन गया सी, और एक और आइलैंड बन गया, हमने उसका नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए डी, ठीक है। और इस नदी पर कुछ ब्रिजेस बने हुए थे, पुल बने हुए थे, ए से सी यानी इस हिस्से से इस हिस्से को जोड़ने के लिए दो पुल बने हुए थे, इस हिस्से से इस हिस्से को जोड़ने के लिए फिर दो पुल बने हुए थे, इस हिस्से से इस हिस्से को जोड़ने के लिए एक पुल बना हुआ था, इस हिस्से से इस हिस्से को जोड़ने के लिए एक पुल बना हुआ था, और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए भी एक पुल बना हुआ था, ये ऑलरेडी वहां था, ठीक है। तो सात टोटल ब्रिजेस थे इस नदी से, जमीन से जमीन पर पहुंचने के लिए, सी जाना है आपको, इस जगह जाना है, इस जगह जाना है। तो गांव वालों के बीच में एक स्टोरी थी, एक पजल थी, जब भी हम लोग गांव में कभी बैठते हैं तो कोई कुछ ना कुछ, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कुछ ना कुछ कहानी देते हैं, तो ऐसी गांव में एक कहानी थी, वो ये कहा करते थे कि क्या भाई कोई भी व्यक्ति एक जगह से कहीं से भी स्टार्ट कर ले, वो इस जगह से स्टार्ट कर ले, इस जगह से स्टार्ट कर ले, या इस जगह से स्टार्ट कर ले, या इस जगह से स्टार्ट कर ले, तो क्या वो सभी ब्रिजेस पर सिर्फ एक बार जाए और जाकर के वापस उसी जगह आ सकता है या नहीं। शर्त यह कि सभी ब्रिजेस को उसको क्रॉस करना है, हर ब्रिज को उसे एक बार जरूर, दोबारा किसी ब्रिज को उसको क्रॉस नहीं करना है, लेकिन सबको एक एक बार जरूर करना है, और जहां से शुरू हो वहीं पर आकर के वो खत्म हो। गांव वालों के बीच में एक कहानी थी, एक पजल थी, एक लोग पूछा करते थे ऐसा संभव है या नहीं, और गांव वाले अपने खाली वक्त में कोशिश करते थे, क्योंकि ये तो छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, बड़ा स्ट्रक्चर था गांव में, तो नदी बह रही है तो यहाँ से शुरू करते हैं, चलो इस ब्रिज को क्रॉस किया, ऐसे गए यहाँ तक आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। और ये था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, वो यूं कह रहे थे कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता इसका किसी के भी पास जवाब नहीं था। तो हमारी ग्राफ थ्योरी में ये बड़ी पॉपुलर प्रॉब्लम के नाम से कहलाती है, इसका नाम है कोनिंग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। तो अगर ग्राफ थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं और कोई ये कहता है कि आपने कोनिंग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम पढ़ी है, तो तुरंत आपको समझ में आ जानी चाहिए कि स्टोरी क्या है कोनिंग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम के पीछे। तो क्या हुआ, अब वापस आते हैं यूलर की तरफ। यूलर साहब आए, उनको भी इंटरेस्ट आया कि हाँ चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को ग्राफ पर डिराइव किया। कैसे, उन्होंने ए को एक वर्टेक्स बना दिया, एक नोट बनाया, सी को दूसरा नोट कहा, पेपर पर लिख लिया, डी को तीसरा नोट कहा, और बी को ये वाला नोट कहा, ठीक है, और इनके बीच में एजेस बनाई उन्होंने, भाई अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए से सी के बीच में आने के लिए हमारे पास दो ब्रिज थे, उन्होंने कहा ठीक है ए को सी से हम दो एजेस के जरिए कनेक्ट कर देते हैं, सी से बी पर जाने के लिए भी दो ब्रिजेस थे, उन्होंने कहा दो ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं, सी से डी पर जाने के लिए एक ब्रिज था, ये कनेक्ट कर देते हैं, ए से डी पे जाने के लिए एक ब्रिज था, एक एज बना देते हैं, और डी से बी पाने के लिए एक ब्रिज था, एक एज बना देते हैं। उन्होंने कहा अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमारी प्रॉब्लम कहां आ गई, पेपर पर आ गई। तो ग्राफ का क्या फायदा हुआ, हमारी एंटायर प्रॉब्लम, पूरी की पूरी प्रॉब्लम कहां आ गई, एक पेपर के ऊपर आ गई। अब उनका सामना, उनकी प्रॉब्लम क्या थी यूलर साहब की, उन्होंने कहा
क्या इसके अंदर कोई ऐसी सीक्वेंस मिल सकती है कि मैं एक वर्टेक्स से स्टार्ट हूं, हर एज को कवर करूं और कवर करते हुए वापस उसी वर्टेक्स के ऊपर आ जाऊं। तो मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन गई रादर देन जो प्रॉब्लम वहां गांव वालों के बीच में थी। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं, ऐसा कोई भी पाथ है नहीं है। अरे ये तो गांव वाले भी कह रहे थे कि नहीं है, क्यों नहीं है? तो इस पे उन्होंने अपना शोध पत्र लिखा। उन्होंने कहा ऐसा पाथ होने के लिए जरूरी है कि हर वर्टेक्स की डिग्री मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, हर वर्टेक्स की डिग्री एक सम संख्या होनी चाहिए। हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए? एक इवन नंबर होनी चाहिए। जरा आप पुराने वाले लेक्चर को ध्यान में रखते हुए मुझे डिग्री बताइएगा इसकी क्या है। ए की डिग्री, मैं याद दिलाऊं आपको, डिग्री का मतलब कितनी एजेस आकर के उस पर्टिकुलर नोड पर मिल रही हैं, उसको क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो एक दो और तीन, इसकी डिग्री हो गई जी तीन। एक दो तीन चार और पांच एजेस यहां मिल रही है, इसकी डिग्री हो गई पांच। एक दो तीन, इसकी डिग्री हो गई तीन और इसकी डिग्री हो गई तीन। सभी डिग्री विषम है, सभी डिग्री ऑड है, तो ऐसा इस वजह से संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये डिग्रियां इवन हो जाएं तो ऐसा पाथ संभव है। तो मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ है तो इसमें ऐसा संभव है। कैसा संभव है? कहीं से भी शुरू करो, हर एज को एक बार आप कंप्लीट करेंगे और वापस उसी वर्टेक्स पे आ जाएंगे। क्यों संभव है ऐसा? वो यूलर ने बताया, देखिए इसमें संभव है, वापस आ गए यहीं पर और हर एज एक बार हुई और कोई एज छूटी नहीं, तो वो संभव इस वजह से। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? क्या कब सभी नोड्स की डिग्री सम है? हाँ सम है, इवन नंबर है, इस वजह से ऐसा संभव है। तो ये योगदान था यूलर का, और यूलर को इसी वजह से हम लोग फादर ऑफ ग्राफ थ्योरी कहते हैं। पहला शोध पत्र ग्राफ थ्योरी पर जो लिखा था वो यूलर ने लिखा था 1736 में, और जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी उस प्रॉब्लम का नाम है कॉनिंग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। और ऐसे ग्राफ को उन्होंने अपने नाम पर यूलर ग्राफ कहा, यूलर। तो यूलर ग्राफ की फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग दे देते हैं। अब हमारा टॉपिक था यूलर ग्राफ, मैंने पूरी स्टोरी आपको यूलर ग्राफ समझाने के लिए बताई है। तो यूलर ग्राफ को डिफाइन करते हैं, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक ऐसी वॉक, क्लोज्ड वॉक, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक ऐसी वॉक मिल सके जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और सभी एजेस को विजिट करते हुए वापस उसी वर्टेक्स पर आकर के खत्म हो जाए, ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? यूलर ग्राफ कहते हैं। और किसी भी ग्राफ का यूलर ग्राफ होने के लिए शर्त उन्होंने रखी कि शर्त, आप बिला वजह इसको ट्रेस मत करो, बिला वजह इसमें दिमाग मत लगाओ, पहले चेक कर लो कि हर वर्टेक्स की डिग्री सम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तब उठा करके उसको सॉल्व करना शुरू करो, नहीं तो वो ग्राफ यूलर ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो यूलर ग्राफ की शर्त क्या हुई, कंडीशन क्या हुई कि ये ग्राफ यूलर ग्राफ होगा? उसकी कंडीशन है ऑल नोड्स, सभी वर्टिसेस, सभी नोड्स, सभी बिंदु शुड हैव, मस्ट हैव इवन डिग्री, सबकी डिग्री इवन होनी चाहिए। ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? यूलर ग्राफ कहते हैं। तो मैंने आपको यूलर ग्राफ के बारे में समझाया, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, कितने भी एग्जांपल बना सकते हैं। ये भी एक यूलर ग्राफ है क्योंकि हर एक की डिग्री दो है। अगर मैं इसको चार में कर दूं, ये भी यूलर ग्राफ है क्योंकि इसकी डिग्री चार, इसकी डिग्री चार, इसकी डिग्री चार। अब आप ट्रेस कर सकते हैं, ये देखिए ये मिल गया, कोई भी एज द्वारा ट्रेस नहीं हो रही है और आपको ट्रेल मिल गई। वर्टेक्स हो सकता है, वर्टेक्स का रिपीटेशन हो सकता है, वर्टेक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एज का रिपीटेशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? यूलर ग्राफ कहेंगे। यूलर ग्राफ का एक सिबलिंग है, एक कजिन ब्रदर है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो अगला टॉपिक आया, अगला टाइप ऑफ ग्राफ आया आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या कहते हैं? हैमिल्टोनियन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ, अगर किसी उस ग्राफ के अंदर
एक ऐसी वॉक, अब मैं आपको वॉक दोबारा से नहीं बताऊंगा, वॉक कहने का मतलब है आप समझ गए कि एज का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक ऐसी वॉक मुझे मिल जाए जो सभी वर्टिसेस को कवर करे। अंतर देखिए, यूलर कहता है कि सभी एजेस को कवर करे और हैमिल्टोनियन कहता है कि सभी वर्टिसेस को कवर करे। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ कहेंगे। मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं आपके सामने, न्यूमरस एग्जांपल था, बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। इस ये ग्राफ है आपका, इस ग्राफ के अंदर मैंने एक ट्रेल बनाई, ब्लैक से देखेंगे आप, यहां से शुरू किया था इस वर्टेक्स से, शर्त है कि सभी वर्टेक्स को कवर करना है, कोई नोड छूटना नहीं चाहिए, एजेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो इससे यहां आया, यहां से यहां आया, सब वर्टेक्स कवर हो रहे हैं, देखिए यहां आया, सब बिंदु कवर हो रहे हैं, 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 और वापस यहां आ गया, एजेस बहुत सारी छूट गई, बट आई डोंट केयर, मुझे एजेस का, जब तक हैमिल्टोनियन की बात है तो एजेस का कुछ नहीं करना, यूलर की बात है कोई एज नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ, तो एक वॉक मिल गई मुझे जो कि क्लोज्ड वॉक है और सभी वर्टिसेस उसमें कवर हो गए हैं, ऐसे ग्राफ को क्या कहेंगे हम लोग, हैमिल्टोनियन ग्राफ कहेंगे। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए वॉक विच कवर्स all vertices, all means all, nothing has to be left, all vertices in the given graph. अगर ऐसी walk मिल गई तो ये graph क्या हो गया, Hamiltonian graph कहलाएगा। क्या graph कहलाएगा, ये Hamiltonian graph कहलाएगा। Euler में क्या था, difference समझिए, Euler graph में हर edge को एक बार cover करना था, जरूरी था। अगर ऐसी walk मिलेगी उसमें तो उस graph को हम लोग कहेंगे यूलर ग्राफ। अगर कोई वॉक ऐसी है जिसमें हर वर्टेक्स कवर हो गया है, एजेस आई डोंट केयर, एजेस का मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसे ग्राफ को हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ कहेंगे। तो ये एक एग्जांपल है हैमिल्टोनियन ग्राफ का। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ग्राफ यूलर भी है, ग्राफ है, चेक करते हैं यूलर है कि नहीं है। तो यूलर ने क्या कंडीशन दी थी कि कोई ग्राफ यूलर होगा, हर वर्टेक्स की डिग्री सम होनी चाहिए। पहला वर्टेक्स उठाया, 1, 2, 3 डिग्री विषम निकल आई, बाकी वर्टेक्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही डिक्लेयर कर दो आप, क्योंकि इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है जो कि एक विषम संख्या है, तो ये ग्राफ यूलर ग्राफ हो ही नहीं सकता। क्या हैमिल्टोनियन ग्राफ है, तो हैमिल्टोनियन ग्राफ के लिए ऐसी कोई शर्त आज तक बनी नहीं है, और अभी भी उस पर शोध चल रहा है, रिसर्च चल रही है कि क्या कोई डायरेक्ट कंडीशन से हमें पता चल जाए, जैसे पता चलता है यूलर ग्राफ का, क्या ऐसे पता चल सकता है कि दिया हुआ ग्राफ हैमिल्टोनियन है या नहीं है। मैंने बहुत साधारण ग्राफ खींचा, आप सोचिए ग्राफ है जिसके अंदर 100 नोड्स हैं, 150 एजेस हैं, तो आप कितनी देर तक उसमें ट्रेस करते रहेंगे कि क्या सभी मेरे वर्टेक्स कवर हो गए या नहीं कवर हो गए। तो कोई एक मेथड पता होना चाहिए मुझे पहले, उसके बाद जब पता चल जाए कि हाँ हैमिल्टोनियन होगा ये, उसके बाद मैं ट्रेस करना शुरू करूं। तो ऐसा कोई मेथड अभी तक हैमिल्टोनियन ग्राफ को चेक करने के लिए नहीं है, उस पर शोध चल रही है। तो ये था आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ, यूलर ग्राफ और डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। अंतिम टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे प्लेनर ग्राफ का। तो प्लेनर ग्राफ के बारे में हम लोग, और वहां पर भी यूलर आएंगे, यूलर वहां पर भी आएंगे, तो यूलर का नाम मैं लिखे रहने दे रहा हूं। तो अंतिम टॉपिक हमारा है प्लेनर ग्राफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को समझते होंगे। 2 डायमेंशन मतलब प्लेन, हमारा जो नॉर्मल प्लेन हम लोग देखते हैं उसको 2 डायमेंशन कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और 3 डायमेंशन हम लोग कहते हैं, अगर कमरे के किनारे का कोना ले लें तो 3 एक्सिस होते हैं उसके ऊपर, हाइट, लेंथ और ब्रेथ, तो दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल। तो अगर कोई भी ग्राफ में किसी ये जो बोर्ड है जो आपके सामने या आप जो नोटबुक पर काम कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है, उसके अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, उसमें हाइट नहीं है कहीं पर भी, तो उसको हम लोग 2D बोलते हैं। तो ये जो प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन है वो 2D के रेस्पेक्ट में दी जाती है।
अगर कोई भी ग्राफ एक 2D पर, टू डायमेंशनल प्लेन पर, बगैर एजेस की क्रॉसओवर के बनाया जा सके, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग प्लेनर ग्राफ कहेंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये ग्राफ है, इसमें क्या कोई एज एक दूसरे को क्रॉस कर रही है? नहीं कर रही है। तो ये ग्राफ क्या है? प्लेनर ग्राफ है। क्या ये प्लेनर ग्राफ है? हां, ये भी प्लेनर ग्राफ है, क्योंकि कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। क्या ये प्लेनर ग्राफ है? अब अभी क्या हुआ कि इसमें ये एज इस एज को क्रॉस करने लगी। ठीक है, देखते हैं। V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, E4, और माना मैंने इसको E5 कहा और इस वाली को E6, जो क्रॉस करके लिख रहा हूं मैं E6 का। तो E6 एज जो V2 और V4 के बीच में है, वो एज E5 एज को क्रॉस कर रही है। मुझे सोचना होगा कि क्या मैं इस एज को कुछ डिफरेंट तरीके से बना सकता हूं ताकि क्रॉस ना करे। कोशिश करता हूं और वो इसी प्लेन में रहे। तो मैंने इस एज को किसी एक को इन दोनों में से यहां से हटा लिया। ठीक है, और हटा करके मैंने अगर इसको कुछ इस तरीके से बना दिया, V2 से V6 के बीच में थी, तो V2 से मैंने V6 के बीच में बना दिया और इसका नाम E6 लिख दिया। अब तो कोई एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, नहीं कर रही। तो अब ये ग्राफ क्या है? प्लेनर ग्राफ है। तो बात हम ऐसे समझेंगे कि ग्राफ आपको दिखने में नॉन प्लेनर लग सकता है, दिखने में ऐसा लग सकता है कि एजेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे इधर से उधर करने की, तो हो सकता है कि वो एजेस की क्रॉसिंग बच जाए। तो रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इस ग्राफ की कोई चेंज नहीं हुई। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या थी ग्राफ की? अगर आप याद करेंगे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी। मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है कि E6 V2 और V4 के बीच में है। अब वो सीधी बनी है, टेढ़ी बनी है, छोटी बनी है, लंबी बनी है, मोटी बनी है, इससे मैथमेटिक्स को कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स सिर्फ ये कह रहा है रिलेशनशिप है V2 और V4 के बीच में एक एज के जरिए, E6 के जरिए। तो मैंने बजाय अंदर बनाने के मैंने उसको क्या करा, बाहर की तरफ बना दिया। तो ये भी वही ग्राफ है जो पहला वाला ग्राफ बना हुआ था, लेकिन अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? प्लेनर हो गया। कोई भी एज एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं कर रही है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, तो ऐसे ग्राफ जिसमें कोई भी, जिनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन हम दो टू डायमेंशनल प्लेन पर बना सकते हैं और इस प्रकार से कि कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस ना करे, अगर संभव है, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा? प्लेनर ग्राफ कहलाएगा। नहीं तो क्या कहलाएगा? नॉन प्लेनर ग्राफ कहलाएगा। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। आपको याद है कंप्लीट ग्राफ मैंने याद कराए थे, आप डेफिनेशन दी थी आपको, और कंप्लीट ग्राफ हम लोग कहते हैं के से डिनोट करते हैं और नीचे जो लिखते हैं वो लिखते हैं वर्टेक्स का नंबर। तो K5 का मतलब हुआ एक कंप्लीट ग्राफ 5 वर्टिसेस का। आप भी बनाइए, मैं भी बना रहा हूं यहां पर कंप्लीट ग्राफ 5 वर्टिसेस का। पांचों वर्टिसेस एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। और देखिए आपने भी यही बनाया और मैंने भी यही बनाया है, क्योंकि हमको डेफिनेशन पता है, हमको डेफिनेशन पता है इस ग्राफ की। हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। ये वर्टेक्स अपने चारों भाइयों के साथ कनेक्टेड है डायरेक्ट एज के साथ, ये वर्टेक्स भी अपने चारों भाइयों के साथ कनेक्टेड है डायरेक्ट एज के साथ, सभी वर्टेक्स के साथ ये। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट ग्राफ। पिछले वाली लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीट ग्राफ। तो ये 5 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ है जिसको K5 कह रहे हैं हम लोग। मैं आपसे पूछूं, अगर कहूं कि नहीं इस ग्राफ को क्या हम यही टू डायमेंशनल स्पेस में बगैर क्रॉसिंग ओवर के बना सकते हैं? कोशिश करते हैं, बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो क्या करेंगे, जैसे यहां एक एज बाहर ले गए, इसमें भी कुछ एजेस बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि बनता है कि नहीं बनता है। तो ऑब्वियसली मैंने पहली एज ये उठाई और आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा नाम भी इनके लिख दूं कि किस किस के बीच की एज उठा ली थी। तो V2 V4 के बीच में जो एज है इसको मैंने यहां से निकाल दिया, V2 V4 के बीच की एज को, और मैंने उठा करके यहां से बना दिया। एक क्रॉसिंग कम कर दी मैंने, एक क्रॉसिंग कम कर दी। क्या और कोई क्रॉसिंग भी कम हो सकती है? हाँ, ये वाली क्रॉसिंग, ये वाली एज अगर मैं हटा दूं यहां से, ये वाली एज किसके बीच की है? ये वाली से मतलब V1 से V4 के बीच की है। तो V1 से V4 के बीच की एज मैंने बना दी।
टेढ़ी मोटी छोटी पतली आए दाएं बाएं मुझे कोई मतलब नहीं, एज है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, एज रहनी चाहिए, एज है मेरे बीच। क्या कोई और क्रॉसिंग ओवर्स भी मैं यहां से हटा सकता हूं, कोई और क्रॉसिंग ओवर भी हटा सकता हूं? कितनी क्रॉसिंग ओवर रह गई? सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉसिंग ओवर रह गई है। देखिए ये किसी को क्रॉस नहीं कर रही, ये 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 नहीं कर रही और ये भी नहीं कर रही, कष्ट दे रही है सिर्फ एक एज। अगर ये एज ना हो तो मेरा ये ग्राफ क्या हो गया? अब ग्राफ क्या हो गया मेरा? प्लेनर हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से इस एज को अगर मैं बाहर की तरफ से भी लाने की कोशिश करूंगा तो किस किस के बीच में है ये? V1 और V3 के बीच में। तो ये यहां आकर के कट जाएगी, देखिए इसके साथ कट गई है, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी दशा में इसको एज को हटा नहीं सकते हैं, इसी ग्राफ को, इसी ग्राफ मतलब उतनी ही एजेस उतने ही वर्टिसेस रहने चाहिए। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हम इस एज को किधर से भी मोड़ तोड़ करके ऐसा नहीं कर सकते कि क्रॉसिंग ओवर ना रहे, और इसलिए ये एक नॉन प्लेनर ग्राफ है, प्लेनर ग्राफ नहीं है। तो क्या हो गया? नॉन प्लेनर ग्राफ हो गया। क्यों हुआ नॉन प्लेनर ग्राफ? क्योंकि क्रॉसिंग रहेगी रहेगी, आपने कितना भी क्रॉसिंग को हटाने की कोशिश की। तो ऐसे ग्राफ्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्लेनर ग्राफ्स कहते हैं। तो K5 एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। इसकी खोज की थी एक मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था कुराटोवस्की, पोलिश मैथमेटिशियन था, पोलैंड का मैथमेटिशियन था जिसका नाम था कुराटोवस्की। तो ये कुराटोवस्की का पहला ग्राफ कहलाता है, कुराटोवस्की इज फर्स्ट ग्राफ, जो कि नॉन प्लेनर है, कष्ट सिर्फ एक एज दे रही है, तो इस वजह से इसको फंडामेंटल प्लेनर ग्राफ, बहुत प्राइमरी प्लेनर ग्राफ, पहला प्लेनर ग्राफ, अगर इसमें से इस एज को हटा दें तो प्लेनरी प्लेनर है, यानी कि इससे नीचे के सभी ग्राफ जो हैं वो प्लेनर हैं। इससे नीचे का क्या मतलब? इस ग्राफ के अंदर कितने वर्टिसेस हैं? 5। इस ग्राफ के अंदर कितनी एजेस हैं? 10। तो अगर 5 वर्टिसेस और 10 एजेस में से कोई भी एक चीज आप माइनस कर दीजिएगा तो वो ग्राफ क्या रहेगा? प्लेनर ग्राफ रहेगा। किसने बताया ये? कुराटोवस्की ने बताया। इस वजह से कुराटोवस्की का फंडामेंटल नॉन प्लेनर ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडामेंटल नॉन प्लेनर ग्राफ। कुराटोवस्की का एक और फंडामेंटल नॉन प्लेनर ग्राफ है, उसका नाम है K33। K33 का मतलब है 3.3। ये बाइपार्टाइट ग्राफ है। बाइपार्टाइट ग्राफ का मतलब होता है कि वहां दो सबसेट होते हैं वर्टिसेस के, और पहले सबसेट में इतने वर्टिसेस और दूसरे सबसेट में इतने। मतलब अगर मैं ये लिखता अभी K14, इसका मतलब दो सबसेट, एक में एक वर्टेक्स और दूसरे में 4 वर्टिसेस, ठीक है। तो ये K33 है, इसका मतलब दो सबसेट हैं, पहले में भी 3 वर्टिसेस और दूसरे में भी। पहले सबसेट का हर वर्टेक्स हर दूसरे सबसेट के वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। पहले सबसेट का हर वर्टेक्स, तो पहला वर्टेक्स दूसरे के सभी से जुड़ गया, पहले का दूसरा वाला दूसरे के सभी से जुड़ गया, और पहले का तीसरा वाला तीसरे के सभी से जुड़ गया। लेकिन आपस में ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, यानी कि ये सबसेट के जितने मेंबर्स हैं वो आपस में नहीं जुड़ेंगे और इस सबसेट के ये मेंबर्स आपस में नहीं जुड़ेंगे। ऐसे ग्राफ को हम लोग बाई, बाई का मतलब होता है 2, बाईपार्टाइट, यानी कि दो सबसेट वाला ग्राफ कहते हैं बाईपार्टाइट, और के का मतलब है कंप्लीट, तो ये कहलाता है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। फिर से बताता हूं, दो सबसेट्स, हर सबसेट के मेंबर्स आपस में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हर सबसेट का हर मेंबर दूसरे सबसेट के दूसरे मेंबर से जरूर जुड़ेगा। तो देखिए आपस में कोई रिलेशन नहीं है इनका, लेकिन हरेक का हरेक दूसरे सबसेट के मेंबर से डायरेक्ट रिलेशन है, इसका भी ऐसी, इसका इसका इससे, इसका इससे, एंड सो ऑन। तो ऐसा ग्राफ कहलाता है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। और ये कहलाते हैं पहले सबसेट में कितने वर्टेक्स हैं, दूसरे सबसेट में कितने वर्टेक्स हैं, पहले में 3, दूसरे में 3, अगर 3-3 है तो K33, पहले में 1 है दूसरे में 4 है तो 14, 10 और 20 है तो K10 / 20, ऐसी तरह से।
तो K33 भी कुराटोवस्की ने ये कहा कि ये भी एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। आप इसको होम एक्सरसाइज की तरह से ले लें और आप बना करके देखें इस ग्राफ को, इसके ऊपर की भी जितनी क्रॉसिंग्स है हटाने की कोशिश कीजिएगा, और हटाते हटाते आप जैसी स्थिति यहां आई थी वैसी ही स्थिति इसमें आ जाएगी कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक एज आपको कष्ट दे रही होगी जिसकी वजह से क्रॉसिंग हो रही होगी और ये ग्राफ प्लेनर नहीं रहेगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्रॉटोवस्की ने कहा था ये दो ग्राफ्स हैं K5 और K33 जो फंडामेंटल नॉन प्लेनर ग्राफ्स हैं। नॉन प्लेनरिटी यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है का मतलब सिर्फ एक एज कष्ट दे रही है हमको, अगर वो एक एज ना होती तो नॉन प्लेनरिटी हो जाती। इसी के साथ मैं अपना ग्राफ थ्योरी के इस लेक्चर को विराम देता हूं और फिर से एक बार आपको अपनी ईमेल आईडी बताता हूं। मेरी ईमेल आईडी पर आप कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचने की और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है tipendra@gmail.com और मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है tpsingh@ddn.upes.ac.in। इन दोनों में से किसी भी आईडी पर आप कोई भी क्वेश्चन हो मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।